इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन है फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के दौरान फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी। तो उसका हमारा फॉर्मूला है मैड। अंग्रेजों ने हमें बिल्कुल मतलब जो है पागल बना रखा था, बिल्कुल मैड बना के रखा था। तो हमारा फॉर्मूला है मैड, MED, एम फॉर मोनोपोली, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। यूजुअली जितना भी जो है एक्सपोर्ट होता था वो मेनली जो है ब्रिटेन को ही जाता था, ठीक। तो उनकी एक टाइप से मोनोपोली थी। फिर है ई फॉर एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक। हम कच्चा माल देते थे और जो है फिनिश्ड गुड्स खरीदते थे इंडिया के फॉरेन ट्रेड की कंडीशन। डी फॉर ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के दौरान जो है इंडिया की वेल्थ को जो है ड्रेन किया गया, यहाँ से वो लोग वहाँ ले गए। तो फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी, मैड थी। लाल डील या लाल DL, ये शॉर्टकट फंडा है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन क्या थी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका फंड शॉर्टकट फंडा बनाया हमने लाल DL या लाल डील ऐसा बोल सकते हैं आप। तो L फॉर लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट है ए फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। फिर है आपका L, लेक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, बड़ी चीजें बनाने वाली इंडस्ट्रीज की कमी थी। फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या हम कहेंगे डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। फिर है आपका L फॉर लो कंट्रीब्यूशन टू GDP, लो कंट्रीब्यूशन टू GDP। तो लाल डील, ये है हमारा फंडा इस क्वेश्चन के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। आर कार, ये फॉर्मूला है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आता है तो आर कार ये फॉर्मूला याद रखिए। इस फॉर्मूले से आप बिल्कुल आसानी से जो है आपको समझ में आएगा कि क्या समझाना है। आर कार, आर कार का जो फुल फॉर्म है वो है आर फॉर रोड, सी फॉर कम्युनिकेशन, ए फॉर एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड आर फॉर रेलवेज। तो रोड, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के चार बेसिक चीज़ें हैं, रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन एंड एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। LLCA, ये फंडा है अपना, ये फार्मूला है एग्रीकल्चर स्टेट ड्यूरिंग ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल या फिर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो LLCA, L फॉर लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो है महल वाली जमींदारी वाला सिस्टम था। फिर नेक्स्ट L है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। फिर है C फॉर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो है एग्रीकल्चर पहले अंग्रेजों ने जो है एम्फेसिस किया कि कैश क्रॉप्स वगैरह जो उगाए। फिर है A फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन हुआ तो उसका काफ़ी एडवर्स इफेक्ट हुआ हमारे पास, जो जूट वगैरह का प्रोडक्शन वाली जो फर्टाइल लैंड थी, जो जूट काम सबसे ज़्यादा बिल्कुल मोनोपोली थी वर्ल्ड में, वो सारी लैंड जो है ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान के पास चली गई। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो आज का बांग्लादेश है। PPL, ये फंडा है, ये फॉर्मूला है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। तो डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, हाई PPL इसका हमारा फॉर्मूला है। तो हाई, एच फॉर हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। फिर आपका आता है हाई इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, हाई दोनों हो गए। फिर है आपका PPL, तो पुअर हेल्थ फैसिलिटी, पी फॉर पुअर हेल्थ फैसिलिटी। फिर है आपका पी वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। एंड L फॉर लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर हाई बर्थ रेट डेथ रेट था, बहुत ज़्यादा जन्म दर मृत्यु दर दोनों थी। हाई इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, जो है शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। फिर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी तो बहुत ज़्यादा होगी ही सही। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ऑन एन एवरेज जो एज है लोगों की वो काफ़ी कम थी, और जो है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी। इसके अलावा
लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जेम्स GEMS जेम्स, ये फॉर्मूला है हमारा फाइव ईयर प्लान के बेसिक गोल को याद रखने के लिए। फाइव ईयर प्लान के बेसिक गोल क्या थे? फाइव ईयर प्लान के बेसिक गोल थे GEMS, जी फॉर ग्रोथ, ई फॉर इक्विटी, एम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एस फॉर सेल्फ रिलायंस। ठीक, तो जेम्स ये है फाइव ईयर प्लान के बेसिक गोल के लिए फंडा। जेम्स चैप्टर नंबर 2 से है ये, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, कि फाइव ईयर प्लान के जो है मेन गोल क्या थे, बेसिक गोल क्या थे, जेम्स थे ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। बीबीए ये शॉर्टकट है हमारा इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 2 से, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 2 से ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या इफेक्ट रहे उसको याद रखने के लिए फॉर्मूला है बीबीए। बी फॉर बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो है प्रोडक्शन ज्यादा होने लग गया और जो है गवर्नमेंट बफर स्टॉक करने लग गई। फिर बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, जिनकी लो इनकम ग्रुप जो छोटे किसान वगैरह थे अब उनको जो है फायदा होने लग गया। फिर ए फॉर अटेनिंग मार्केटेबल सिक्योर मार्केटेबल सरप्लस, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, तो जितना पहले सिर्फ कंजम्पशन करने इतना ही प्रोडक्शन कर पाते थे, अब कंजम्पशन करने के अलावा मार्केट में बेच सके इतना सरप्लस भी प्रोडक्शन हो रहा था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट को याद रखने का फार्मूला है हमारा क्या, बीबीए। ठीक, बीबीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के रीजन क्या थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के रीजन क्या थे। तो चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के रीजन क्या थे, इसके लिए हमारा फॉर्मूला है हाई फाई डीपी, हाई फाई डीपी। तो हाई फाई डीपी ये हमारा आंसर है, आंसर का फॉर्मूला है हाई फाई डीपी। डीपी लगा देना व्हाट्सएप वगैरह में, तो हाई फाई डीपी, बहुत अच्छी हाई फाई डीपी लगा रखी है। तो एच फॉर है हमारा ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट, काफी ज्यादा कर्जा हो चुका था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसलिए लाना पड़ी। फिर आई फॉर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ी। फिर एफ, एफ फॉर फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज का जो फॉरेन करेंसी जो है उसका रिजर्व हमारे पास कम हो गया था इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ी। ठीक, फिर है आई, आई फॉर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इतना एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं था गवर्नमेंट का कि जो है वो है टैक्स वगैरह वसूल पाए और रिवेन्यू जनरेट कर पाए, पब्लिक एंटरप्राइजेस को व्यवस्थित तरीके से चला पाए और रिवेन्यू जनरेट कर पाए, ऐसा नहीं हो पा रहा था इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ी। फिर है डी, डी फॉर डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि खर्चे ज़्यादा थे और रिसिप्ट जो है कम, खर्चे ज़्यादा और रिवेन्यू जो है वो कम, तो इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ी। पी, पी फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंटरप्राइजेस है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी तो इस वजह से जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ी। ठीक, तो रीजन बिहाइंड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म इज हाई फाई डीपी, ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। रीजन बिहाइंड पॉवर्टी, चैप्टर नंबर 4 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजन बिहाइंड पॉवर्टी, पॉवर्टी के रीजन कौन कौन से हैं, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है हाई हाई पीपीएल, एच आई एच आई पीपीएल, हाई हाई पॉपुलेशन। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि भाई पॉवर्टी क्यों बढ़ रही, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही, तो हाई हाई पीपीएल, पीपीएल पॉपुलेशन। ठीक, तो इसको हम देखते हैं हाई, तो एच फॉर हाई इलिटरेसी, आई फॉर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, है ना, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। फिर एच फॉर हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आई फॉर इन्फ्लेशन, फिर है पी, पी फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फिर पी पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, फिर है एल लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक,
तो ये थे पॉवर्टी के रीजन, हाई हाई PPL, हिट मी, एक्सपेंडिचर ऑन हिट मी, ये फॉर्मूला है हमारा सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर नंबर 5 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को याद रखने का फॉर्मूला हिट मी, हिट मी फॉर एच फॉर हेल्थ, आई फॉर इंफॉर्मेशन, टी फॉर ट्रेनिंग, एम फॉर माइग्रेशन एंड ई फॉर एजुकेशन। तो सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ठीक, तो हिट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। तो रूरल क्रेडिट के जो है सोर्सेस कौन कौन से हैं? तो दो टाइप के रूरल क्रेडिट के सोर्सेस होते हैं, एक होता है इंस्टीट्यूशनल और दूसरा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल को याद रखने का फंडा है मर्टर, MRTR। बिल्कुल मटर की तरह मसल के खा जाते हैं आपको यदि नॉन इंस्टीट्यूशन से आप कर्ज लेते हैं तो, MRTR। तो MRTR नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। M for मनी लेंडर्स, फिर आपका है R for relatives, फिर T for ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, फिर है आपका R रिच लैंडलॉर्ड्स, MRTR। यह नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट, MRTR, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट एंड रिच लैंडलॉर्ड्स। ठीक, MRTR, सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट को याद रखने के लिए एक फंडा बता रहा हूं मैं, वो फंडा है SLC RNT। ये फॉर्मूला है SLC RNT। अब इसको भी याद रखा जा सकता है, SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जब आपको SLC मिल गई मतलब क्या हुआ, अब रहा नहीं तेरा, RNT रहा नहीं तेरा। ठीक, सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो SLC RNT ये फॉर्मूला है किसके लिए, रूरल क्रेडिट के लिए, इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट। तो इसमें SLC का फुल फॉर्म देखते हैं, S फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू भी जो है आपको क्रेडिट मिल सकता है। L फॉर लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक के थ्रू क्रेडिट मिल सकती है। फिर C फॉर कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव क्रेडिट के थ्रू भी आपको जो है क्रेडिट मिल सकता है। फिर RNT, तो R का फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक के थ्रू भी आपको क्रेडिट मिल सकती है। N नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD, इसके थ्रू भी आपको जो है क्रेडिट मिल सकती है। और T से द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू भी आपको जो है क्रेडिट मिल सकती है। तो ये फंडा था हमारा किसके लिए, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट के लिए, चैप्टर नंबर 6 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्रिक मीडिया, ये फॉर्मूला मैंने बनाया है आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट के मेजर्स के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट है तो कैसे ओवरकम किया जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए, या अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए चैप्टर नंबर 7 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर को याद रखने के लिए फॉर्मूला है हमारा क्रिक मीडियास, क्योंकि मीडिया अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करती और फालतू बातें करती रहती, इसलिए ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला हमें याद रह जाएगा। ठीक, तो क्रिक मीडियास, तो देखें आप सी फॉर कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पर कंट्रोल करना चाहिए। फिर आर फॉर रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म होना चाहिए। फिर आई फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्शन जो है वहां पर भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। फिर है आपका CRI C। अब नेक्स्ट सी जो है क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। फिर है आपका M मीडिया के लिए M फॉर मैन पावर प्लानिंग, प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग होना चाहिए कि हमारा कितना मैन पावर है और वो मैन पावर को हम किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट देंगे। ठीक, गवर्नमेंट के पास एक अच्छी प्लानिंग होना चाहिए। फिर ई फॉर इंकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को भी जो है का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए।
क्योंकि वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। फिर है आपका डी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए, जो है उन्हें नए इक्विपमेंट मिलना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। फिर है आपका आई, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सब को जो है इनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जब तक ये इम्प्रूव नहीं होंगे तो जो है व्यापार नहीं बढ़ेगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। फिर है आपका ए फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा। फिर एस फॉर स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी जनरेट करना पड़ेंगे। ठीक, तो ये थे मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट को से कैसे ओवरकम किया जाए। ठीक, तो इसका हमारा फार्मूला था क्रिक मीडियाज। आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकना चाहते हैं तो आप मेरी ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल तो है ही। इसके अलावा आप यदि एक मैंने कोर्स बना रखा है, मतलब एक जिसमें हर टाइप के सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ दे रखी है ना, 100 रुपीज का जो है वो कोर्स बना रखा है, वो आप भी आप बाय कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।